जय श्री महाकाल। दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, और आपने जो प्यार दिया है, जो सपोर्ट किया, आपका दिल से बहुत शुक्रिया। आप हमेशा खुश रहें, बाबा महाकाल की कृपा आप सभी पर दिन रात बरस ही रही है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, कि हमसे लोग क्यों जलते हैं, हमने किसका क्या बिगाड़ा है। हम तो बहुत सीधे से हैं, सरल हैं, लोगों की मदद करते हैं, और हम तो कभी किसी के बारे में ऐसा कुछ सोचते नहीं, लेकिन फिर भी हमसे लोग क्यों जलते हैं, क्या कारण है, हम में ऐसा क्या खास है, कौन सी चीज़ें हैं कि लोग हमसे जलते हैं। और दूसरी बात, बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिन्हें हमें पता भी नहीं होते कि जो हमसे जल रहे हैं, और जो हमारे साथ बहुत अच्छे से रह रहे हैं, और बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, और हमें बहुत दिनों बाद चीज़ें पता लगती है कि इस तरह से हमारे साथ चीज़ें हुई है। क्योंकि मुझे आए दिन इस विषय को लेकर इतनी सारी बात होती है, इतने सारे लोग चर्चाएँ करते हैं, तो मुझे लगा कि शायद आपको कुछ सही जानकारी देना मेरा कर्तव्य है। तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखें, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए जानकारी है। एक और निवेदन है कि इस चैनल पर आपको सकारात्मक और सिर्फ सकारात्मक बातें मिलती हैं, और आपको हल मिलता है। तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में आप भोलेनाथ का कोई यूनिक नाम लिखें जो पढ़कर मजे आ जाए, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें ताकि मुझे अच्छा लगे कि आप, और अंत में वीडियो को देखने के बाद अपना कमेंट ज़रूर लिखें कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो शुरू करते हैं। पहली बात है कि जब भी लोग हमसे जलते हैं, तो या तो हमारी तरक्की, हमारी अच्छाई, और हमसे जो लोग खुश रहते हैं ना, हम तुरंत लोगों को खुश कर देते हैं। खुश करने से मतलब है कि हमारा व्यवहार ही ऐसा है, संस्कार कुछ होते हैं हमारे, जो परिवार से हमें मिलते हैं, जो हमने अपने दोस्तों से सीखे हैं, हमारे साथ जो अच्छे अच्छे लोग उनसे सीखे हुए हैं, तो हम तुरंत किसी भी व्यक्ति को कनेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहली बात ये, तो ये चीज़ें बहुत से लोगों को खनकती है कि ऐसा क्यों, और ये जो है ये हमारे ब्लड में होती है, ये खून में होती है, इसे ना कोई बना सकता, ना कोई बिगाड़ सकता है। दूसरी बात है कि इससे हमारे नुकसान से हम कैसे बचे, कि भाई लोग जल रहे तो हमारा कहीं नुकसान कर सकते हैं, एक्स वाई जेड कर सकते हैं। तो इसमें एक चीज़ ये हमेशा ऐड रखें कि चाहे आप लोगों से कितना आपका अच्छा व्यवहार हो, लेकिन जो अपने सीक्रेट हैं, जो अपनी गुप्त बातें हैं, वो अपने तक ही सीमित रखें। क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं उनका कोई कभी कुछ नहीं कर सकता, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, क्योंकि उनके साथ ईश्वर होता है। लेकिन जो उनके सीक्रेट बातें होती है, गोपनीय बातें होती है, जो कुछ भी हर एक व्यक्ति की कुछ ना कुछ बातें होती है, चाहे व्यापार हो, नौकरी हो, कहीं ना कहीं होती है, एक बहुत बड़ा दायरा है। वो लोग जलने वाले लोग, ये जो हमसे बैड फील करते हैं, वो लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। तो बस सिर्फ और सिर्फ आप उस चीज़ को बचा के रखें, और बिल्कुल ईश्वर पर पूर्ण यकीन रखें। जिसको जलना है जलें, हमें उनसे भी अच्छा व्यवहार करना है, बहुत अच्छा व्यवहार करना है, और हमें हमारे कर्म पे ध्यान देना है, उसको माइंड में नहीं लेना है, क्योंकि माइंड में लेंगे तो हमारी योग्यता घटेगी। ये बेसिक सा फंडा है। और ईश्वर का जप कंटिन्यू करते रहें, जितना आप ईश्वर का नाम लेंगे सब परेशानी स्वतः ही खत्म हो जाएगी। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।